बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिल करीम वल मेहदी अलमऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद फकद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिही अल-अज़ीम वल फुरक़ानिल अज़ीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إرشاد الدارمي ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا तो उसके साथ साथ अल्लाह ने एक शब्द रखी है, वो शब्द इसलिए रखी है कि इंसान की फितरत है कि वो हर फायदा बहुत ही कम वक्त में मेहनत के बगैर मशक्कत के बगैर हासिल कर लेना चाहता है। शायद शरीफा की मैंने तिलावत की, अल्लाह का साफ हुकुम है तो मुझे पुकार दो, मैं तुम्हारी दुआ का कबूल करने वाला हूँ। बहुत ही आसान बात है, सबसे सब दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे, दुआ कर देंगे करते फिर उसके बाद आकर हमसे कहते हैं नमाज पढ़ा हूँ या पढ़ रही हूँ, दुआएं इंटरेस्ट पढ़ती हूँ, दरमिंदाज पढ़ रही हूँ, फुरा कर रही हूँ, फुरा कर रहा हूँ, मगर एक भी दुआ अल्लाह के पास से कबूल नहीं होती, उसका कबूल नहीं है। तो क्या अल्लाह झूठा है? उसने कहा रोही तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। तो होना क्या चाहिए था? इधर बंदे ने दुआ की और उधर अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर दिया। और आप सब हजरात हैं, पुकारते हैं, दुआ करते हैं, पर क्या अल्लाह हमारी सब दुआ को कबूल कर देता है? बहुत नहीं होता, बहुत कम होता है। अक्सर तो ऐसा होता है दुआ करते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब अल्लाह ने कहा पुकारो मैं कबूल करता हूँ तो पुकारते ही कबूल कर देना चाहिए, उसमें खुदावन जी है, अल्लाह की बात को सुनकर हम दुआ करेंगे। फिर ऐसा क्यों होता है कि दुआ करने के बावजूद कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह को कहता है जब मैं वादा करता हूँ तो उसे हमेशा पूरा करता हूँ, मैं वादा खिलाफ करने वाला नहीं हूँ। इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह कभी वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। जब अल्लाह ने वादा किया कि पुकारो मैं कबूल करता हूँ और हम जब उसके हुक्म को सुनकर पुकार रहे हैं तो दुआ को कबूल कर देना चाहिए, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। एक नहीं, हमारी कई दुआएं कबूल नहीं होती। आखिर इसका सबब क्या है? सबब उधर से नहीं है, कोताही इधर से कोताही है। अल्लाह की तरफ से कोताही नहीं है, कोताही किसके तरफ से है? हमारे तरफ से है। क्योंकि हमने आयत के एक हिस्से को पढ़ा खुशों में, उस आयत के बाद अल्लाह ने दूसरी बात कही है, फल यूमिनू भी, मगर तुमको भी चाहिए कि मुझ पर ईमान लाओ। फल यूमिनू भी, तुमको भी चाहिए कि हम मुझ पर तुम ईमान लाओ। क्या हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा है? और पुकारते कब हैं? पुकारते उस वक्त हैं जबकि हमको जरूरत पड़ती है,
ईमान का तकाजा ये नहीं कि हमारी जरूरत पर खुदा को पुकारें, ईमान का तकाजा ये है जरूरत न भी हो तो अल्लाह को पुकारो। हम पुकारते का भाई अल्लाह को, कोई बच्चा बीमार हुआ अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह बोलता है कि दुआ कर रहा है या आर्डर कर रहा है, तुझे ऐसा मालूम हो रहा है तू मेरे पास आर्डर कर रहा है, बस इधर से दुआ निकली और अल्लाह कबूल कर दिया। तो खुदा हुक्म करने वाला नहीं हुआ, हम हुक्म करने वाले हुए, ऐसा होना चाहिए अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह बोलता बख्शने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त है उसकी, उसकी शर्त यह है कि तूने जितने गुनाह किए हैं मेरी जात की कसम मैं तमाम गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त है कि तू ये भी कसम खा ले कि आइंदा वो गुनाह नहीं करूँगा। खेल में भी एक मरतबा गलती हो गई तो सामने वाला छोटा है ठीक है विचार, एक मरतबा गलती हुई तो ठीक है, बार बार गलती करते बोलेंगे नहीं मैं सही हूं तो बोलेगा ये नहीं है। ये जब खेल में गलती होती है तो सामने वाला माफ करने के लिए तैयार है, मगर बार बार वो गलती करेंगे तो बख्शेगा नहीं। तो अल्लाह भी कहता है तू मेरे साथ जो मामला कर रहा है अगर एक गलती तुझसे हो गई और तूने सिद्दके दिल के साथ दुआ के कबूलियत के कई तरह थे, आप जो बातें बोल रहा हूँ उनको अच्छी तरह सुनो, अल्लाह से आपको गिला भी नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी, अल्लाह गलती हमारे तरफ से होगी। वो तो कहता है काबिल तौब, तौबा का कबूल करने वाला मैं ही हूँ, मगर तुम तौबा करो वैसी जैसी की करनी चाहिए तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, वैसी तौबा अगर नहीं चाहिए तो मैं कैसे कबूल करूँगा। कैसे होना चाहिए दुआ, कैसी होनी चाहिए, तो अल्लाह कहता है वही फल जो बिनूबी, सबसे पहली शर्त तो यह है कि तुझे मुझ पर ईमान लाना चाहिए। ईमान लाने का मतलब यह है कि तेरे दिल में ये बात, इस बात का यकीन होना चाहिए कि सिर्फ मेरी दुआ का कबूल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। इस यकीन के साथ आप दुआ करो, अल्लाह तआला दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है। यकीन के माने बहुत हैं, ईमान के माने बहुत से पैदा हो सकते हैं, इतनी आज मैं इतनी बात आपको कहता हूँ, तवज्जो के साथ दुआ करो। दुआ कैसी होनी चाहिए, तवज्जो के साथ, जिसके सामने आप मांग रहे हैं उसको अपनी नज़र के सामने तो रखो नहीं, खुद को उसके दरबार का भिखारी तो समझो, इधर उधर देख कर मांग रहे हैं कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, तवज्जो अल्लाह के पास हो, ऐ अल्लाह इसलिए तुझसे मांग रहा हूँ कि तेरे दरबार के सिवा देने वाला कोई भी नहीं है, यकीन है कहानी से मैं तेरे दरबार में आया हूँ, है कौन, है कौन, ला इलाहा के माने ये भी हैं, कोई माबूद नहीं ये भी हैं, कोई मखलूक करने वाला भी नहीं सिवाय मेरे, मेरा कोई माबूद नहीं है, मैं बता या वो घर, या तो तू मुझे माफ कर या वो दर बता जहां पर जाकर मैं माफी मांग लूं। तो क्या अल्लाह दूसरा दर बताने के लिए तैयार है, वो तो कहता है सदबार तौबा शिकस्ती बाजा 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 हरान के हस्ती बाजा गर गिब्रो दर परस्ती बाजा। फिर उसके बाद कहता है ई दरगाह मां दरगाह नौमीदी नीस्त, ये मेरी दरगाह नौमीदी की दरगाह नहीं है, सत बार तौबा शिकस्ती बाजा, सौ मरतबा भी तौबा को तोड़ा है फिर भी अगर तू मेरे दरबार में सजदे में सर रखकर दुआ करता है तो मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, तू काफर है मानता हूं, तू जो भी है मैं मानता हूं, बाजा शर्त यही है कि फिर दोबारा वो काम मत कर, आजा मेरी तरफ मेरे दरबार की तरफ आ जा, मैं नवाजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी दरबार मेरा दरबार
ना उम्मीदी का दरबार नहीं है। इस बात को दिल में अच्छी तरह बिठा लो कि हर जगह से तुम ना उम्मीद हो सकते हो, खुदा के दरबार से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बंदा मोमिन अल्लाह के दरबार से कभी ना उम्मीद नहीं होना और नहीं होना चाहिए। गुनाह हमारी सिरिश में है, गलती हमारी फितरत में है, खता हमारी सरगुजश में है, भूल हमारे खमीर में है। किसने रखा है सब बातें? अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते बना देता। अल्लाह ने हमको क्या बनाया? इंसान बनाया। इंसान में क्या होता है? भूल, इंसान में भूल होती है, निस्यान है, खता है, लफ्ज़िश है, गलती है, ये सारी बातें होती हैं। अल इंसान मुरक्कब मिन अल खताई वल निस्यान, इंसान खता और भूल से मुरक्कब का नाम है। अगर ये ना हो तो आदमी क्या हो जाए? फरिश्ता हो जाए। और याद रखो, इंसान का मर्तबा फरिश्तों से बढ़कर है। इंसान का मर्तबा फरिश्तों से बढ़कर है। लोग कभी कभी तारीफ करते हैं, अरे अरे क्या बशर है भाई, क्या बशर है, अरे फरिश्ता है। मैं बोलूँ गाली दे रहे हैं आप उसको, गाली दे रहे हैं। क्योंकि इंसान बड़ा या फरिश्ता बड़ा? इंसान बड़ा। अगर इंसान बड़ा ना होता तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म ना देता कि आदम को सजदा करो। क्या बात है, क्या बात है। फरिश्ते तो इबादत करने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा, नाम सब हो गए हम दिखा और मुकद्दस खुदा, हम तो सुबह शाम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तारीफ बयान करते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी तहजीद करते हैं। ये मिट्टी का पुतला अभी पैदा हुआ है, हम बरसों से हजारों बरस से तुझे सजदे कर रहे हैं और फकत तेरा हमारा काम तेरी पाकी बयान करना है। और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है जिसमें खता है, निस्यान है, भूल है, गलती है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, फिर भी हमको हुक्म दे रहा है कि तू आदम को, इनको आदम को सजदा करो। तो अल्लाह ने जवाब दिया था, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, मैं वो बातें जानता हूँ इंसान से कि तुम नहीं जानते। इंसान में मैं वो बातें जानता हूँ जिनको तुम नहीं जानते। क्या बात है वो? बात ये है कि तमाम बुराइयों का उसके अंदर अंसुर मैंने पैदा किया है, उसको फेंका हूँ दुनिया में। दुनिया गंदगी की जगह है, दुनिया गंदगी की जगह है। फिर उसको दावा देता हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है मेरी इबादत के लिए और तुम मेरे पास आ सकते हो। भूख में रहने वाले अगर कपड़े न भीगे होंगे और आकर कहें हम आए हुए हैं, इतना रास्ता चलकर हमारे पर खानी का यह खतरा भी नहीं है, और एक आदमी बारिश में भीगता हुआ आ रहा है और ये कहता है इतनी जोरदार बारिश है मेरे जिस्म पर, देखो तो एक पानी का कतरा भी नहीं, अफजल कौन है? धूप में से आने वाला अगर कहे कि पानी का कतरा नहीं, वो अफजल? या बारिश में से आकर मुझे कहे कि देखो इतनी पड़ती बारिश है लेकिन मेरे पर कतरा भी पानी का नहीं, वो अफजल है? अल्लाह कहता है तुम तो धूप में हो, मेरे जलाल के सामने हो, तुम्हारे पर गुनाह का खतरा भी नहीं है, तो कोई कमाल की बात नहीं। अरे जहां गुनाहों की बारिश हो रही है वहां से अगर कोई पाप निकल कर आता है तो दुनिया से गुनाहों की बारिश हो रही है। आंख से गुनाह होता है, कान से गुनाह होता है, जबान से गुनाह होता है, नाक से गुनाह होता है, दिल से गुनाह होता है, हाथ से गुनाह होता है, पांव से गुनाह होता है, दिमाग से गुनाह होता है, पूरी की पूरी बारिश गुनाहों की हो रही है। और मेरे बंदे ऐसे हैं कुछ जो ऐसे पाक होकर आते हैं कि गुनाह का एक कतरा उनके पास नहीं होता। अरे कचरे में से निकले और पाक निकले, ये बहुत बड़ी बात है।
रहे हैं, डस्टबिन में से निकल रहे हैं, और ऐसे पाक हैं कि कचरे का चायबा तक उनके पास नहीं है। वो दो हत्या निकले एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का वक्त देता है, पर कहां हुए वो? अल्लाह की जलाल के सामने नहीं थे, आसमान में नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा था, गंदगी में भेजा, कूड़ा करकट की जगह पर भेजा, मगर दोनों हस्ती हो और अल्लाह के पैगंबर मासूम हैं, पर ये तो बहुत तरफ निकले, और ये ऐसे निकले कि इन्होंने इन्होंने इनके दम इनके पास किसी खत्म का दाव नहीं, दब्बा नहीं, कोई चीज इनके पास नहीं, और अल्लाह ने इनको भेजा इसलिए तुम खुद पाक हो गए तो कमाल नहीं, बल्कि तुम जिनके साथ रहते हो उनको भी पाक कर दो। तो इसी वास्ते अल्लाह कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे रसूल तो हैं रसूल, जो उनके साथ हैं वो भी ऐसे हैं कि उन पर भी गुनाह का दब्बा नहीं है। इनमें उनमें फर्क इतना है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने किया तो हमने माफ कर दिया। उन्होंने किया था ईमान लाने से पहले, पर हमने उनको माफ कर दिया। तो इसलिए यह हुआ कि उनकी शाशिया नशीन बन गए, उनकी सोहबत में बैठने वाले बन गए। इसी वास्ते कहते हैं नेक बनना हो तो तुम नेक बन नहीं सकते, अल्लाह के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, उनके दामन की हवा भी लग जाएगी तो पाक हो जाओ। तो दुआ के लिए अल्लाह दुआ कहते हैं तवज्जो के साथ दुआ करो। सबसे बड़ी चीज वाली उमीनू भी वल यस्तजी बूदी फिर ये है, मैं तो तुम्हारी सुनता हूँ, वल यस्तजी बूदी तुम मेरी भी सुना करो। इतनी छोटी सी शर्त है पर कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहा, मैं तुम्हारा अस्तजीब लगूँ, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, पर तुमको भी क्या करना चाहिए? तुमको भी मेरा कहा मानना चाहिए, वल यस्तजी बूदी मेरी बात को भी मानो, मेरे कलाम को भी मानो। एक तरफा मामला तुम चलाते हैं, दो तरफा काम होना चाहिए, तुम मेरी मानो तो मैं तुम्हारी मानता। कलाम की खूबी यह है, अल्लाह ने पहले यह नहीं कहा कि तुम मेरी मानो फिर अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी मानता हूँ, यह नहीं कहा, कबूल करता हूँ। बंदा कितना खुश हो जाता है, अरे मैं पुकारता हूँ अल्लाह कबूल कर देता है, हिम्मत पैदा हुई, हौसला पैदा हुआ, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हुई, जब नजदीक आए तो अल्लाह ने कहा वल यस्तजीबु ली मेरी भी सुना करो जरा। पहले बोल देता तो मायूस हो जाते, अल्लाह ने कहा नहीं मैं तुमको मायूस नहीं करता, तुम मेरी सुनो, पहले नहीं बोलता, मैं तुम्हारे सुनने के लिए तैयार हूँ, बस इतना करो तुम भी मेरी सुना करो, मेरी बात को माना करो, तुम्हारी बात को तैयार। तो दुआ तवज्जो के साथ होनी चाहिए। आज जो दुआ कर रहे हैं आप इधर उधर देख के दुआ मत करो, आज अपने दिल की तवज्जो अल्लाह के सामने करो, जहन का सिर्फ अल्लाह है। इसलिए कि आज की रात दादा मान रहा है, शायर को मानते हुए हम देखते हैं दरवाजे पर आके आते हैं कुछ दो, अगर कभी दादा बाहर निकला सखी बाहर निकला मांगने के लिए नहीं, सखी तो बैठता है भिखारियों को दावत देता है आओ मांगो, मैं आज अल्लाह ताला पहले आसमान पर खुद आकर बोल रहा है हल मिन साइलिन है कोई मांगने वाला, मान मैं आती ही मैं देने के लिए तैयार हूँ, होती ही मैं खुद दूंगा, है कोई मांगने वाला, अब बताओ हमें से कौन है जो सवाल से मुस्तगनी है, कौन है बचा हुआ है, क्या क्या अल्लाह से हमको मांगना चाहिए, बड़े से बड़ा करोड़पति भी है तो अल्लाह के सामने भिखारी है, अब उन्हें क्या मांगना चाहिए, ये मांगना चाहिए कि दौलत का गुरूर उसे पैदा ना हो जाए, याद रखो खुदा से दौलत मत मांगो। और मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि कौम महजर में अल्लाह ताला दौलत में जितने कम पैदा करे अच्छा है, दौलत इंसान को गुमराह करने वाली चीज है, दौलत इंसान में नफरत पैदा करने वाली चीज है, दौलत इंसान को मगरूर करने वाली चीज है, दौलत सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, दौलत
रिश्तों को खत्म करने वाली चीज का नाम दौलत है। गरीब रहो तो सब मिल जाते हैं, और दौलतमंद हो जाए तो रिश्ते सब कट जाते हैं। अरे रहना पसंद नहीं करते आपके मोहल्ले में, दौलतमंद होते ही आदमी, खैर यहाँ तो नहीं है, बेंगलुरु मैसूर की बात कर रहा हूँ, बम्बई की बात कर रहा हूँ, दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ, जरा पैसा आते ही भाई जरा सोसाइटी में जाना चाहिए। कहाँ जाना? सोसाइटी में। सोसाइटी कहाँ रहती है? शहर से 8-10-15 किलोमीटर दूर सोसाइटी को जाएंगे। क्यों? तो ये सब आते रहते हैं, रिश्तेदार ही ये वो आते रहते हैं। सोसाइटी में आना तो 50-60 रुपये देकर आना, 50-60 रुपये देकर आना, तो वापस होना पड़ता है। सोसाइटी में हम चले जाएंगे, सबसे पहले रिश्ते काटने वाली चीज़ का नाम दौलत है। वो दौलत किस काम की जिसे रिश्ते कहते हैं? रिश्तों को कायम रखो। जब आप दुआ करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी दुआ अगर आज कबूल न भी हो तो किसी के साथ सिले रहमी करो तो उसकी दुआ भी तुम्हारे वास्ते कबूल हो जाए। क्योंकि बाजार में हर चीज मिलती है, लेकिन अगर नहीं मिलती कोई चीज तो दुआ नहीं मिलती। किसी मुस्तर की, किसी दिल की दुआ जो निकलती है वो भी अल्लाह के पास चली जाती है। और सूरह फरमाते हैं ला यरुद्दुल अदा इल्ला दुआ, अगर अल्लाह के पास से अदा फैसला जारी हो गया है लेकिन किसी की दुआ आड़े आती है तो खदा भी चल जाती है, दुआ खदा को भी डालते हैं। इसीलिए आप ही की दुआ नहीं, दूसरों की दुआ को हासिल करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो दुआ का तरीका यही है कि अल्लाह के पास ईमान यकीनी होना चाहिए, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक तआला के पास अल्लाह की सुनने की तो पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तू सुन हमारी और हम भी तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, तो अल्लाह तआला हमारी सुनने के लिए तैयार है। और दुआ सच्ची जबान की दुआ को अल्लाह हमेशा कबूल करता है। जिस जबान से झूठ, धोखा, गदर, गरीबत, बुराई, झूठी कसम जिस जबान से होती है उसी जबान से हम अल्लाह के पास दुआ करें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बात करते करते बोले, या अल्लाह दुआ तो हम बहुत करते हैं लेकिन तो दुआ को कबूल नहीं करता, आखिर इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि उस जबान से दुआ करो जिससे गुनाह सरजद न हुआ हो। इसी वास्ते हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने शबे कदर में जो दुआएं पढ़ी हैं वो अपनी दुआओं को नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में जो दुआएं पढ़ी हैं उन्हीं दुआओं को पढ़ा। क्यों कहा? ये दुआ मेरी नहीं है, तू उन्हें जो कहा है तेरी दुआ मैं सुना रहा हूँ। अब तेरी जबान को तू असल अच्छी तरह जानता है। इस वास्ते जबान को हमें झूठे की बात आप सुनने के लिए तैयार हैं, आपको क्या कह देते हैं? उन्हें बोला चोर झूठा है, तो झूठे की बात आपके पास मतलब नहीं है तो क्या खुदा के पास मतलब हो जाएगी? सच के पानी से भगवान को धो, फिर उसके बाद आप दुआ करो। देखो अगर किसान दुआ को कबूल नहीं करता, एक शब्द ये भी है कि गुनाह की अजमत को आप, गुनाह की बड़ाई का ख्याल कि कितना बड़ा गुनाह उसके बाद, उसके बाद यह ख्याल करो माफ करने वाला अल्लाह है। तीसरी बात यह सोचो कि अगर अल्लाह मेरी दुआ को आज कबूल कर ले तो फिर मैं कभी ये गुनाह जिंदगी भर में नहीं करूँगा। मेरी तीन बातें होती हैं तो अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह साहिब बनकर आया है, पूछ रहा है, हल मिन साहिबिन, है कोई सवाल करने वाला? सवाल करे मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई आज इस्तग़फ़ार करने वाला, मग़फ़िरत मांगने वाला? आग़फ़िरु लहू, अगर वो इस्तग़फ़ार करे तो मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस्तग़फ़ार हम करते हैं, जमाई आ गई तो ये भी इस्तग़फ़ार है कि जिसे अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा, ये जमाई के बाद है। ये अल्लाह कहता है कि नहीं,
इस्तफा करो पैसा, अल्लाह ताला की बड़ाई अजमत और तुम्हारे गुनाह ये दोनों को सामने रखो और ये कहो कि अल्लाह ने किस गुनाह के लिए ये सजा रखी है, फिर अल्लाह से दुआ करो अल्लाह वह गुनाह मुझसे दूर हुआ है और मैं इसलिए मान रहा हूँ कि सिवाय तेरे कोई और बात नहीं है। अगर रोते हुए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह ताला की दुआ को हमेशा नहीं देगा, ये भी दुआ है। अल्लाह ही कहता है कि तुम बीमार है तो मांगो मुझसे, मैं आफियत देने के लिए तैयार हूँ। सबसे ज्यादा आफियत है तो अल्लाह के पास में कर लिए काम, डॉक्टर दवा देता है और अल्लाह ताला शिफा देता है। दवा से बीमारी कम नहीं होती, शिफा से बीमारी कम होती है। अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह शिफा देता है तो फिर हकीम की भी जरूरत होती है, और अल्लाह शिफा नहीं देता तो लाख डॉक्टर कोशिश कर लें, जब मौत आ जाती है तो कोई इलाज नहीं हो सकता, किसी का इलाज उनको फायदा नहीं दे सकता। तो बातें जब बोल गया हमें दुआ करता हूँ, सबसे पहले तो वो दुआ करता हूँ जिसको रसूल अल्लाह ने हमको सिखाई आज मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मोहम्मद की इस्लाह फरमाते हैं। आज हम सब जानते हैं कि आज हमारी हालत क्या है, ईमान के एतबार से फिर अमल के एतबार से हम किस मकाम पर हैं, क्या हम अपने अमल की आज इस्लाह कर रहे हैं, क्या हमारे अमल की इस्लाह की जरूरत नहीं है। जो हमको नवाज रहा है मैं हम आए कि अल्लाह ताला से दूर हमारे अमल की इस्लाह करने के लिए हम तैयार नहीं, आप भी उसका ताल्लुक होगा। और मैं इस जलसे के जरिए से हमारे करीब में जो हो गए जा रहे हैं आप सबको भी हक है याद दिलाने का, अगर नहीं तो सख्ती से रोकने का। रमज़ान के महीने में होटल खुले रहते हैं, अल्लाह की जानिब से अजर आना चाहिए ऐसे लोगों पर या अजाब नजर होना चाहिए। महीना कौन सा है? रमज़ान। रमज़ान के महीने में अल्लाह ने रोज़े फर्ज किए, अगर आप रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम हुक्म ये है कि लोगों के सामने न खाओ। अगर होटल के सामने बैठकर चाय पीते रहेंगे और बीड़ी सिगरेट लगाकर पीते रहेंगे, मस्जिद सामने है, उधर मैसूर बेंगलुरु हाईवे सामने है, अगर हम शराब चाय पियेंगे सिगरेट पियेंगे यहाँ का होटल हो या खेल के पास के होटल हो, लोग जो यहाँ से वहाँ से जाते रहते हैं मैसूर के बेंगलुरु को वो देखेंगे और कहेंगे ये महदबी मजहब इमाम किताबुल्लाह को इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अमल ये है कि दायरों में रमज़ान के महीने की अलानिया पामाली हो रही है। तो अल्लाह ताला की जानिब से रहमत नाजिल होनी चाहिए या अज़ाब नाजिल होना चाहिए, ये करम है कि अज़ाब नहीं हो रहा है, वरना तो अज़ाब नहीं होना चाहिए। तो मैं अनुल्लाह को और दूसरे जो होटल वाले हैं उनको ताकीद कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म सुना रहा हूँ, डरे अल्लाह के अज़ाब नाज़िल होने से उस वक्त से पहले कि अज़ाब नाज़िल हो जाए। अल्लाह ताला के हुक्म की पामाली सबके सामने नजरों के सामने हो जाए, सुबह से शाम तक होती रहे, मुसल्ली आते हैं रोज़ेदार नमाज के लिए और सामने अगर बैठे हुए चाय और सिगरेट पीते रहेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म की कितनी अलानिया खिलाफ भी होती है कि अल्लाह हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। शाबान में माफ़ी मांगी, रमज़ान में फिर गुनाह शुरू कर दिया। ताकीद कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर रोज़ा ना खास्ता कोई बीमार हुआ रोज़ा रखने के काबिल नहीं हुआ तो कम अज़ कम अरे रोज़ा नहीं रखा तो रोज़ेदार की सूरत तो बनाओ, घर में खा पी लो दवा पी लो, बाहर निकले तो कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि किसी को पूछना नहीं चाहिए रमज़ान के महीने में क्या रोज़े से नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह कहता है रोज़ा मैं फर्ज कर दिया हूँ तो पूछने की ज़रूरत क्या है, हमको यकीन करना चाहिए कि सामने वाला रोज़े से है, पूछना गुनाह की बात है कि हम पूछ रहे हैं कि रोज़े से हैं।
घर में मेहमान आए उसको भी खाना नहीं देना चाहिए, ये समझना चाहिए, नेकुवान करना चाहिए कि वो रोजे से रखोगा। अगर वो खुद कहे कि मैं मुसाफर हूँ रोजा नहीं रखता हूँ तो अलग बात है, पर पूछना नहीं किसी को, क्योंकि महीना रमजान का है। हाँ औरतें ही तो पूछ सकते हैं, औरतों को इसलिए पूछ सकते हैं कि उनको खास दिनों में रोजे उनके अदा कर सकते हैं, तो उनको पूछ सकते हैं। मर्दों को तो पूछने का हुक्म नहीं है, मर्द तो हमेशा पाक रहते हैं, उनको पूछने का हुक्म नहीं है। तो एक तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने दुआ सुना है कि अल्लाह असले मतलब है अल्लाह उम्मत मोहम्मद की इस्लाह कर दे। पर आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने के बाद भी रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और एक हदीस आपको सुना रहा हूँ, रसूलुल्लाह फरमाते हैं लोगों मेरा जीना भी तुम्हारे लिए रहमत है, मेरा मरना भी तुम्हारे लिए रहमत है। सावधानी का ऐसे आपका जीना तो हमारे लिए रहमत है, दोनों बातें समझाइए कैसे हैं। तो रसूल ने कहा मेरा जब तक मैं जीता रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम मेरी बात सुनते हो और मैं तुम्हारी बात को सुनता रहता हूँ, ये रहमत ही रहमत है। अलबत्ता मेरे मरने के बाद तुम जो कुछ करते हो फरिश्ते तुम्हारे अमाल को मेरे पास पेश कर देते हैं, और जब अच्छे अमाल होते हैं तो मैं कुछ होता हूँ, और बुरे अमाल को वाले मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ इनको माफ कर और इनके अहवाल की इस्लाह पर ना। तो यूँ मेरे मेरा मरना भी तुम्हारे वास्ते रहमत हो जाता है। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह करना। आज हम मोहताज हैं मगर वायस वो करीब कहने वाले मुर्शिद कहते हैं, लेकिन इस्लाह खुदा की तरफ से होती है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारी तला उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह फरमा, अगर हमारे हालात की अल्लाह इस्लाह फरमा दे तो समझो कि बहुत सी नेकियों के दरवाजे हमारे पास खुल जाते हैं। फिर उसने फरमाया अल्लाह फरिज अन मोहम्मद अन मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की तकलीफ को दूर करना, उनकी मुश्किलात को आसान करना। आज उम्मत मोहम्मदिया की धारा से गुजर रही है, महंगाई अपने साथ खड़ी हुई है, रोजे रोजी में बरकत नहीं है, रोजी मुश्किल से मिल रही है, कितने लोग रोजी की वजह से परेशान हैं, और जो कुछ रोजी मिलती थी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे लिए बरकतें मिल गई हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि बारी ताला हम पर जो तकलीफें आ रही हैं मुश्किल आ रहे हैं उन मुश्किल को तो दूर कर, सिर्फ माँ की वजह से नहीं, आज के सियासी हालात अखबार में आप पढ़ रहे हैं मुसलमानों के लिए जो मुश्किल का जिन मुश्किल को सामना करना पड़ रहा है, आज हमको शुकू को शक की नज़र से देख रहे हैं, आज हम पर जो उंगलियाँ उठाई जा रहे हैं, आज हमारे चेहरों मोहरों को देखकर हम पर जो जिस कदर के आज तोहमतें बांधी जा रही हैं और जिस कदर हमको फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है? वो जो मैंने कहा अल्लाह के अज़ाब की कई सूरतें हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब की कई सूरतें हैं। ये सूरत ये भी तो है कि आपको सुबह से शाम तक चाय नहीं, पता नहीं कब आकर दरवाजा खटखटाते हैं और कब पकड़ कर लेते हैं, कई अजाब नहीं है। हम नामान की हालत में जिंदगी बसर करना बहुत बढ़िया बहुत बड़ी सलामती की बात है। आज हमारे पास सलामती लाए हो इस बात से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बारे ताला उम्मत मोहम्मदियात की जो मुश्किल हैं उसको तो दूर करना, जो मुसीबतें आ रही हैं उन मुसीबतों को दूर करना। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं मैदानी आबाद है मस्जिद से मस्जिद तक जुमा से जुलूस तक ऐ अल्लाह सबको तो अमन अमान की जिंदगी बसर करना, ऐ अल्लाह हमारे घरों में सलामती नाजिल फरमा, सुकून नाजिल फरमा, हमको इत्मीनान के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। उसी बात रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मद पर रहम फरमा। आज क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, आज अल्लाह से रहमत मांगना है, आज अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगना है इसको, क्योंकि आज हमको रहम की भीख नहीं मिल रही है,
चारों तरफ मुसलमानों के लिए जुल्म सितम चल रहा है। इस जुल्म सितम की हवाओं में अगर हमको पर कोई रहम करने वाला है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है जो हमको अपने रहम करने की सहाय दे सकता है। और चारों तरफ आप देखो तो सिवाय जुल्म के सितम के ना इंसाफी की एक आग है जो लगी हुई है और सबके सबके शोले मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चंद्रन कल तक महफूज था लेकिन आज चंद्रन भी नक्शे में आ चुका है। चंद्रन का नाम भी आ रहा है, पता नहीं वो कौन लोग थे, शरारत पसंद थे। अल्लाह ताला उनके शर से पूरे कौमी मजहबिया को बचा कर रखे, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह बचा कर रखे, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह बढ़ा फरमाए। आज मैं दुआ करता हूँ बारी ताला हमारे कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, ऐ अल्लाह अपने फर्ज व करम से उन पर रोजी के दरवाजे खोल दे, क्योंकि बेरोजगारी इंसान को खुश कर सकती है। तो सुना फरमाते हैं कादर फख्र व यकुन कुफरा, अरे फख्र फाखे को मामूली चीज मत समझो, फख्र फाखा इंसान को काफिर बनाने के लिए तैयार करता है। आदमी बेरोजगार हो जाए तो क्या नहीं करता, अरे आइंदा जो होगा देखा जाएगा, मैं काम कर लूं। मुस्तकिल मिजाज आदमी हो तो खुद उसे बच सकता है, लेकिन अगर आदमी को ढीला हो जाए तो उसके बचाना मुश्किल हो जाता है। ये बेरोजगारी को मामूल की पसंद, बेकारी बहुत से काम करवा देती है, बेरोजगारी इंसान को जहन्नम में धकेलने के लिए तैयार कर देती है। इसलिए मैं खुदा से दुआ करता हूँ बारी ताला हम सबको रोजगार अता फरमा, रोजगार अता फरमा, ऐसा रोजगार जिससे हम अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकें, ऐसी रोजी जिससे तू खुश हो सके, ऐसी रोजी कि हम इत्मीनान के साथ सो सकें, ऐसी रोजी जिसको मैं इज्जत की रोजी के नाम से याद करता हूँ। ऐ अल्लाह तमाम को इज्जत की रोजी अता फरमा। ऐ बारी ताला हमें जो लोग ईमान है उनको शिफा, आजकल डॉक्टर हमारे पार्टनर बन गए, हमारी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा डॉक्टर ले लेते हैं। बताने के लिए जाओ तो 200-250 रुपये तो कोई बात नहीं है, अगर देखने में चले जाते हैं तो दवाएं ऐसी महंगी दी जाती है जो आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह उन मूजी बीमारियों से हमको बचा, घर में जो बीमार हैं ऐ अल्लाह तूने फरमाया है कि फी शिफा व निनास, लोगों की जिसमें शिफा है ऐ अल्लाह शिफा तेरे हाथ की बात है, जो बीमार हैं उनको शिफा उम्र की ऐसी तराजी अता फरमा कि जिसमें गुनाह गलत ना होते हों, उम्र के उस हिस्से पर पहुंचा जहां आदमी नाकारा नहीं हो जाता, उम्र के उस हिस्से तक पहुंचा जहां आदमी निकम्मा नहीं हो जाता, उम्र के उस हिस्से तक पहुंचा जहां पर आदमी अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चों के लिए बीवी के लिए बोझ बनकर नहीं रह जाता, उस उम्र तक पहुंचा और निकम्मी उम्र तक चले जाए तो तू उठा दे, क्योंकि उस वक्त इंसान का जीना देखा हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं देता हूँ उम्र कब तक, और बाद लोग तो ऐसे ही मैं यूरत को इला अर उम्र, मैं उम्र भी देता हूँ तो निकम्मी उम्र तक चले जाते हैं, ना बिस्तर से उठा जा सकता, ना अपनी हाजत पूरी कर सकते, सब माँ घर वाले सब परेशान होते हैं, और वो ओल्ड एज जो होम बनाया जाता है वहाँ ले जाकर डाल देते हैं कुछ भी कर लो। वो उस निकम्मी उम्र से हमको बचा, जब तक हाथ पांव काम कर सकते हों उस वक्त तक ईमान की हालत में और इज्जत की हालत में हमको तंदुरुस्ती रखा, वो उम्र मत दे कि जितने आदमी बोझ बन जाए इनका मन जाए। ऐ अल्लाह आज हम उससे इस बेईमानी के दौर में ईमान मांगते हैं, आज जमाने का जबरा जबरा हमको बेईमान बनाने का चला है, कदम कदम पर हमको बेईमानी मिल रही है। इलेक्शन का जमाना आता है तो सब बेईमान हो जाते हैं, देने वाला भी लेने वाला भी, सबके सब ईमान को बाजू रखते हैं। चंद टकों के लिए आदमी कहीं से कहां पहुंच जाता है, हमारा ईमान रुसत हो रहा है। उसने खुदा से दुआ मांगी तो क्या हमारी दुआ को अल्लाह कबूल करेगा, मुस्तकिल जारी चाहिए, सदाकत का साथ देना चाहिए और सच्चाई को सामने रखना चाहिए,
अल्लाह हमको सच बोलने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। ये दोनों बातें बहुत जरूरी चीज है, सच सुनना भी जरूरी है और सच बोलना भी जरूरी है। ऐ अल्लाह हमको झूठों की सोहबत से बचा कर, और ऐ अल्लाह हमको तो शैतान मत बना, हमको तो शैतान मत बना, समझे मेरी बात का। ऐ अल्लाह हमको तो फखर और का पुतला मत बना, क्योंकि शैतान के सामने हक आने के बावजूद शैतान ने हक को मानने से इनकार किया था, तो हमको हक बात सुनने के बाद उसके सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। अनानियत का पुतला मत बना, फखर और का पुतला हमको मत बना, बल्कि हमेशा आजिजी अता फरमा, खाकसारी अता फरमा, इंकसारी अता फरमा, दरमंदगी अता फरमा, तेरे सामने झुकने वाला बना। ये है मोमिन की खुसूसियत, अरे मोमिन की खुसूसियत को लेकर है आज की रात अपने परवरदिगार के दरबार में सजदे में सबर कर हम दुआ करेंगे। अपनी हद तक तो हुई उसके साथ साथ अपनी औलाद के वास्ते भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जिनको तो औलाद तुमने नहीं दी है उनको औलाद अता फरमा, और जिनको औलाद दी है उनको सारे औलाद अता फरमा। तरीन औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। और एक बात आपको चलते चलते कह दूं, औलाद आती है मर्द की किस्मत से। ये बात को आप याद रखो, घरों में झगड़े होते हैं तो उसके लिए मैं सफाई कर देता हूँ, औलाद मिलती है तो किसकी किस्मत से, मर्द की किस्मत से, और दौलत मिलती है तो औरत की किस्मत से। पर हमारे माशरे में है कि अगर कहीं औरत शादी करनी है औलाद नहीं हुई तो ज़्यादा तकलीफ किसे देते हैं, औरत को बांध जाए औलाद नहीं देती। अरे भी उसका काम है, तुम्हारा काम है, औलाद तो मर्द की किस्मत से मिलती है, औरत की किस्मत से नहीं मिलती। औरत घर में आती है तो दौलत आती है, और मर्द आता है तो औलाद आता है। तुम उसको क्यों दौड़ देते हो, तुम अपने आप को क्यों दौड़ नहीं देते, मेरी मेरे किस्मत में औलाद नहीं है, यूँ बोलो। औरत को नाका औरत को नाकाम करार देना, औरत पर जुल्म करना, और उसको रखता एक तंबीह करना, धमकी देना कि मैं दूसरी शादी करूँगा, क्या दूसरी आने वाली यकीन के साथ कह सकती है कि मैं तुझे बचा दूंगी, वो भी नहीं क्या करेंगे। बहुत ही गलत बात है, औलाद का अता करना अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। पर औलाद आती है तो मर्द के किस्मत से आती है, इसलिए कभी अगर किसी घर में औलाद नहीं होती तो औरत को तकलीफ देना मुनासिब नहीं है, औरत पर दौड़ के रखना मुनासिब नहीं है। किस्मत में और दौलत आती है तो औरत औरत के कदम से आती है, जब औरत आती है तो अपने साथ और दौलत देकर आती है। तो इसलिए अल्लाह तआला में दुआ करता हूँ, हमारे तला जिनको तुमने अब तक औलाद की नेमत से महरूम कर रखा है उनको औलाद अता फरमा, पर साले औलाद वजअलहु ली ज़किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मैं बे औलाद हूँ पर मुझे औलाद दे, ऐसी औलाद दे जो साले है, पाक है, नेक किरदार है, वो औलाद अता फरमा। बद किरदार औलाद माँ बाप के लिए बदनामी का बायस बन जाती है, इसलिए अल्लाह जिनको औलाद अता नहीं है उनको औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। और ऐ अल्लाह जिनके घर में बच्चियाँ हैं उनको घर उनका घर ला ले, ताकि उनकी जिम्मेदारियों से हम सही तरीके से हैं। आज का माहौल इतना बुरा है, आज के हमारे पास जहेज की राजनीति इतनी बढ़ती जा रही है, जोड़े के पैसे इतने बड़े हो गए हैं कि घर में औरतें बैठी हुई हैं। आज कोई वो भी नहीं होता घर में बैठी हुई हैं, आज लड़कियां खुद बाहर निकल कर काम काज कर रही हैं, और बाहर जब लड़की घर से बाहर कदम रखती है तो वापस आने तक क्या क्या होता है वो अल्लाह को पता है। इसलिए अगर हमारे मर्दों के नौजवानों के जहनों से ये जोड़े जहेज की लानत खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर की बच्चियाँ इत्मीनान के साथ, आज़ादी के साथ, ईमान के साथ, बल्कि इज्जत और आबरू के साथ उनके काम कर सकेंगे। ऐ अल्लाह वो इज्जत भी हमको अता फरमा, ताकि हमको बे आबरू से मरना नसीब जाए। और ऐ अल्लाह हमसे जो कुछ गलतियाँ हमसे बहुत सी हो गई हैं, हर कदम पर हर सांस में हमसे गलती हो रही है, और ऐ अल्लाह तो अबू रहीम है, रहम करम फरमाते हुए हमको माफ़ करना, हमको माफ़ करना, हमें मदद करना, और जो
हमसे गुजर पहले जा चुके हैं, हम इनको भी भूलना नहीं चाहते। अल्लाह हमारे जो रघुवीर खानदान में से आगे चले गए हैं, अल्लाह तुमसे मदद करना, उन्होंने हमको दुनिया में लाया, हमको आज अब इस हालत में रखा है अल्लाह के रसूल ने, तो उसका बायस वो हो गए हैं, वो आज काम करने के काबिल नहीं हुए हैं, लेकिन हम तो उनके वास्ते दुआ कर सकते हैं। अल्लाह उन तमाम रघुवीर के लिए हम दुआ करते हैं कि तुमको मदद करना, उनके दरजा करूँ करना, उनके सयाहों की जरूरत करना, और उनको करवा करवा जन्नत की था बस मेरी दुआओं के साथ अल्लाह तबर को चार फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज जिन दुआओं को मांगा गया है हमारी हालत हजार को देखते हुए हम पर रहम करना, और रहम करते हुए हमारी दुआओं को सबूत करना। अरे भाई अल्लाह नमाज रोजी की तोफीक अता करना, नमाज में शुरू खुदा अता करना, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे जबानों को पाक कर दे, हमारे दिमागों को पाक कर दे। अल्लाह हमारे हाथ को मुसलमान करना, हमारे पाँव को मुसलमान करना, हमारे दिमाग को मुसलमान करना, हमारे आँख को मुसलमान करना। अरे अल्लाह तू हमारे दिलों में नूर ईमान भर दे, ये भी है अल्लाह तो हमारे दिलों को ईमान के नूर से भर दे। अल्लाह मेरे आँखों में नूर अता फरमा, मेरे कानों में नूर अता फरमा, मेरे सीधे तरफ नूर अता फरमा, मेरे बाएं तरफ नूर अता फरमा, आगे से नूर अता फरमा, पीछे से नूर अता फरमा, ऊपर से नूर अता फरमा, नीचे से नूर अता फरमा, सब तरफ मुझे नूर बना दे। बहुत बड़ी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को आपके सामने पेश करते हुए, अल्लाह के दरबार में पेश करते हुए, मैं अपने इस तहरीर को मुख्तसर से ख़त्म करता हूँ, और इस दुआ के साथ आप इसके बाद जो लोग अदा नमाज पढ़ना चाहें वो अदा नमाज पढ़ें, एक दिन दो दिन की भी आप नमाज पढ़ सकते हो, अदा नमाज छः नमाजें होती हैं इधर के नमाज मिलाकर, तो आपको मालूम होगा हम जल्दी जल्दी अदा करते रहे तो कितना आसानी से गुजरता है, और एक दिन की नमाज आप पढ़कर देखो तो आदमी थक जाता है, दो नमाज दो दिन की आप पढ़कर देखो तो आदमी कितना थक जाता है, पता नहीं कितने दिन की नमाजें हमसे अदा हो जाती हैं, उनको अदा करके सकते। तो आज कम से कम अदा करो, अल्लाह से बोल के दुआ करो कि अल्लाह हमको फरमाए, कुरान की तिलावत करने वाले कुरान की तिलावत करो, समझ कर करो, और जिक्र करने वाले आज जरूर जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं जो लोग जिक्र करते हैं तो उनका जिक्र मैं करता हूँ, तुम अपनों में जिक्र करो मैं अपनों में जिक्र करता हूँ, तुम साथियों में जिक्र करो मैं दूरियों में जिक्र करता हूँ, तुम तन्हाई में जिक्र करो तो मैं अपने साथ मिला तुम्हारा जिक्र करता हूँ, तो जिक्र की बड़ी अच्छी बात है। तो आज चंद मिनट तवज्जो के साथ अपने मुर्शिद के मुशायरे से सिलसिला करते हुए अपना जिक्र करो, और आप देखेंगे कि दुनिया की कोई चीज़ रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनिया की कोई चीज़ आपको जिक्र से बढ़कर ऐसी नहीं है जो अल्लाह के अजाब से निजात देगा, सबसे बढ़कर अल्लाह के अजाब से अगर कोई चीज़ निजात देने वाली है तो इस वजह से मेरे मौल ने फरमाया है कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान ने फरमाया अजाब है, तो आप चंद मिनट निकालो फिर आप देखेंगे कि आपके दिल को कितना सुकून महसूस होता है, सिर्फ जिक्र से ही इंसान के दिल को कितना नकल महसूस होता है, तो जिक्र करने वाले थोड़ी देर आ करो जरूर और अल्लाह को याद करो, और उसके बाद जो मैंने कहा और अफसान को जाते हैं अपने अपने शुदाओं के लिए उनके लिए दुआएँ मदद करो, और जब आप आते हैं तो सबके वास्ते दुआएँ मदद करते हैं, सबके लिए दुआएँ मखदूम करो, उनके लोग खुश होते हैं मौका मिलता है कि हम उनके लिए दुआएँ मदद कर सकें। अल्लाह तबारकुल्लाह इसके बाद जो महीना आने वाला है तो वो महीना ये महीने में आप तैयारी करते हुए दिल को भरने के काबिल बन जाएंगे, तो रमजान के महीने में हमारा दिल आईने की तरह चमकता हो जाएगा, तो ये महीना पाक करने का, ये महीना कफारा अदा करने का है, और रमजान का महीना तो अपने आप उदास के साथ आने वाला है, जगमगाता हुआ आने वाला है, उसके लिए कोशिश करो ताकि अल्लाह ताला उस वक्त महीने और खुशन चले चले जाए हमारी दुआओं को हमारी मदद को अल्लाह द्वारा अल्लाह
हमारे घरों में बरकत हमारे घरों में सलामत हमारे दिलों में सलामत हमारे दिमागों में टेंशन की जो चिंता जाए अल्लाह की चिंता को दूर करना सलामती सलामती की अहमद की ऐसी बारिश करता जिसकी वजह से वो चिंता यहाँ पर हो जाए हम कम मामा के साथ इस आदमी के साथ और सलामती के साथ ये जिक्र करते हुए पूरे याद कर लेंगे जिंदगी बदल कर सकें वह दवा